हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी मसाला प्रॉन्स। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। हमने सरसों तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए अब ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह हम सबको फ्राई कर लेंगे। देखिए इसी तरह हमने सबको फ्राई कर दिया है। उसी कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है, अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े प्याज पिसे हुए। 2 बड़े प्याज पीस कर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च, 1 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट इसे भूनने के बाद इसमें मसाले डालेंगे। देखिए हमारा प्याज हो चुका है, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। अपने स्वाद के हिसाब से नमक, हमने प्रॉन्स में भी नमक डाला था, तो आप अभी थोड़ा कम ही नमक डालो ताकि बाद में फिर आप टेस्ट करके अपने हिसाब से डाल सकते हो। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो 1 चम्मच या उससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, या कम खाते हैं तो थोड़ा कम डालिए। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, अब इसको भूनना है। देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है, साइड से तेल छोड़ने लग गया। अब हम इसमें फ्राइड प्राउन्स डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा प्राउन्स मिक्स हो गया है, अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। इसे अच्छे से चला के स्लो फ्लेम पर ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ये रेडी है हमारा बेबी प्राउन्स फ्राई।